आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज यहाँ BCCL के सिटवा स्टेडियम में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है। यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर DGMS के DG श्री प्रभात कुमार, श्री समीरन दत्ता BCCL CMD और सेल और टाटा डिगवाडी के अधिकारी, साथ ही BCCL के डायरेक्टर, पर्सनल डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, टेक्निकल ने यहाँ पर लगे स्टॉलों का मुआयना किया। BCCL के विभिन्न एरियाओं के द्वारा और टाटा स्टील के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया था और सभी ने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जागरूकता के लिए यहाँ स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई, जिसे CMD और डायरेक्टर DGMS ने सारे स्टॉलों का मुआयना किया। यहाँ हमें झारखंड के लोक नृत्य का भी नज़ारा हमें देखने को मिला, झारखंड का ट्राइबल डांस भी दिखाया गया और इस ट्राइबल डांस के साथ ही BCCL CMD और डायरेक्टर जनरल DGMS का स्वागत किया गया और उन्हें स्टेज पर ले जाया गया। यहाँ पर सभी एरिया के द्वारा काफ़ी एजुकेशनल स्टॉल लगाए गए, जैसे कि टाटा स्टील झरिया डिवीज़न के द्वारा मोनोरेल पर एक स्टॉल लगाया गया, EJ एरिया पर ऑटोमेटिक पंप मशीन के ऊपर स्टॉल लगाया गया, ब्लॉक 2 एरिया के तरफ से यहां पर हाई वॉल माइनिंग के ऊपर स्टॉल लगाया गया। आज यहां सिजवा स्टेडियम में खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है BCCL, सेल और टाटा के द्वारा। आज यहां EJ एरिया का स्टॉल लगा है, जिसमें ऑटोमेटेड पंपिंग सर्विस का एक स्टॉल लगा है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन श्री अजीत यादव जी कर रहे हैं, जो मैनेजर हैं EJ एरिया में। आइए जानते हैं उनके द्वारा डेवलप किया हुआ ये डिवाइस। और EJ एरिया में ये डिवाइस इसलिए डेवलप किया गया है कि हाल ही में एक या डेढ़ साल पहले एक पंप वर्कर की पंप प्राइमिंग करने के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई थी, उसी के बचाव के लिए, उस सावधानी को देखते हुए ये डिवाइस डेवलप किया गया है। आइए बात करते हैं श्री अजीत यादव जी से इस डिवाइस के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। अपने इस डिवाइस के बारे में बताइए जी। ये डिवाइस इसलिए बनाई गई, जैसा आपने बताया कि जान गई है लोगों की, EJ एरिया ऐसे ही 3 लोगों की जान गई है, 2 डिफरेंट एक्सीडेशन में, तो पंप ऑपरेटर की गई है। तो ये इसी से सीख मिली कि हमको कैसे इस खतरे को इलिमिनेट किया जाए, तो उसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जिसमें आदमी का ज़रूरत पड़े ही नहीं, पंप अपने चले, सारा ऑपरेशन अपने आप हो। तो उसी का ऑटोमेशन हमने कर दिया कि पंप सरफेस से ही चलेगा, सरफेस पे ही सब पता लगेगा कि पंप का क्या स्थिति है, पंप का हेल्थ कैसा है, पंप ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया है, मोटर पंप में वाइब्रेशन तो ज़्यादा नहीं हो गए हैं, पंप सफिशियंट पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये टोटल हमारा ऑटोमेट कर दिया है, सरफेस से ही पता लग जाएगा कितना पानी निकला, ये भी पता लग जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे किए हैं ये बताते हैं। वाटर लेवल मेरा जैसे ही कम होगा तो सेंसर बता देगा कि वाटर कम है, तो पंप नहीं चालू होगा, सरफेस से चलाएंगे पंप चालू नहीं होगा, सरफेस पे पता लग जाएगा कि पानी सफिशियंट नहीं है। उसके बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले डिस्प्ले पे हेल्थ दिखाएगा पंप का, कि पंप का टेम्परेचर वाइब्रेशन सब ठीक है कि नहीं है। उसके बाद पंप का प्राइमिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि प्राइमिंग में भी एक्सीडेंट होता है, प्राइमिंग के दौरान हुआ है, हमारे भोरा में हुआ है। तो प्राइमिंग के लिए हम लोगों ने सोलेनाइड वाल्व से इसको ऑपरेट कर दिया है कि अपने आप प्राइमिंग होगा। इसके बाद आदमी का ज़रूरत पड़ता है स्लिश वाल्व घुमाने के लिए, तो स्लिश वाल्व को रिप्लेस कर दिया है मोटराइज्ड वाल्व से, मोटराइज्ड वाल्व अपने आप जैसे ही पंप स्टार्ट होगा उसके साथ मोटराइज्ड वाल्व ऑपरेट होगा। इसके बाद पंप जब चल रहा है तो वाइब्रेशन एबनॉर्मल आते ही वाइब्रेशन सेंसर लगाए हैं, वो बंद कर देगा उसको, पंप को। टेम्परेचर सेंसर लगाए हैं, टेम्परेचर हाई होने से बंद कर देगा। ये सारा PLC बेस्ड सिस्टम है, PLC से सब ऑपरेट हो रहा है। इसमें टेम्परेचर भी शो करेगा, कितना टेम्परेचर चल रहा है, वाटर लेवल, वाटर डिस्चार्ज कितना हो रहा है, ये सारा इसमें शो करेगा और कंट्रोल करेगा। उसी के अकॉर्डिंग पानी का डिस्चार्ज भी कम होते ही पंप को बंद कर देगा। मतलब एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, नो नीड ऑफ एनी मैन पावर और ऑपरेशन ऑफ पंप, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पंपिंग सिस्टम है, सरफेस से ही कंट्रोल होगा। इसलिए इसमें हजार्ड जो था पंप के दौरान कार्य करने का, कम्प्लीटली इलिमिनेट हो गया, कोई एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं है। BCCL में पहली बार हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ब्लॉक 2 एरिया में किया जा रहा है।
हाई वाल माइनिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कोयला निकालने के लिए ओबी का रिमूवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हमारे साथ हैं ब्लॉक 2 एरिया के सेफ्टी ऑफिसर विश्वरूप बंदोपाध्याय जी। आइए जानते हैं उनसे इस हाई वाल माइनिंग टेक्निक के बारे में। नमस्कार। जैसे हम लोग जानते हैं जो पूरे BCCL में जमीन का एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो जहाँ पर ओपन कास्ट से कोयला लेना दिक्कत हो जाता है, तो ओपन कास्ट से कोयला लेने के लिए जो दिक्कत हो जाती है ब्लास्टिंग होता है तो आसपास का गांव वाला का दिक्कत होता है। तो ये वाला मेथड जो है ये ओपन कास्ट मेथड है, लेकिन इसमें कोई ब्लास्टिंग का ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग एक मशीन हम लोग लगाए हैं, जो मशीन 3.5 मीटर चौड़ाई और 4.5 मीटर हाइट लेकर के सुरंग बनाते हुए 300 मीटर तक चला जाएगा। उसके बाद वेब पिलर 10 मीटर छोड़ करके फिर 3.5 मीटर चौड़ाई 4.5 मीटर हाइट लेकर के 300 मीटर करके जाएगा। कोई आदमी सुरंग का अंदर में घुसेगा नहीं। इसमें नया टेक्नोलॉजी दिया गया है, एक पुश बीम बोला जाता है, उसमें ऑगर रहता है। एक एक तो ऑगर 6-6 मीटर का होता है, 50 तो जब ऑगर लग जाता है तो 300 मीटर में पहुँच जाता है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क एकदम मिनिमम होता है। तब एक चीज़ है, इसमें कोयला जो एक्सट्रैक्शन होता है ओनली 20% कोयला ही हम लोग इसमें निकाल पाते हैं। तो यही एक तो दिक्कत है, अदरवाइज ये मशीन ऐसे बहुत सक्सेसफुली चल रहा है हम लोग का ब्लॉक 2 में। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वरूप जी, आपने हमें जानकारी दी हाई वाल माइनिंग टेक्निक के बारे में। आज हमारे साथ हैं यहाँ वरुण बैनर्जी टाटा जामाडोबा के, और इनका यहाँ मॉडल है गेयर ट्रॉली, जो कि पहले माइंस में मैनुअली लोग सामान को ले जाते थे, अभी गेयर ट्रॉली के मदद से वो सामान ले जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज इस मॉडल के बारे में श्री वरुण बैनर्जी से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो खान सुरक्षा पखवाड़ा 2023 हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर, ये आपस का क्रॉस लर्निंग के लिए सेशंस है। तो हम लोग यहाँ एक स्टॉल बनाए हैं ये दिखाने के लिए कि अंडरग्राउंड में जब हम लोग काम करते हैं तो मैनुअल काम होता है और वो ऑलवेज हैजार्डस होता है। सो ये हैजार्ड से बचने के लिए हम लोग इसे मैकेनाइज्ड करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आदमी को फिजिकल लेबर ना करना पड़े और सारे काम मशीन से हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस हॉलेज के थ्रू से हम लोग सरफेस से मटेरियल को नीचे ले जाते हैं पंपिंग स्टेशन तक, और वहाँ हम लोग एक मोटोराइज्ड विंच लगाए हैं, मोनोरेल बोलते हैं इसको, और उसी मोनोरेल से इसको लिफ्ट करके सीधा हम लोग जो बेस फ्रेम है बेस फ्रेम के ऊपर बैठाते हैं, ताकि जो पहले कंधा लगा के काम करना पड़ता था वो आज एलिमिनेट हो गया है। और अभी हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी सुरक्षित मेथड है, और हमारे कर्मचारी को काम करने में भी सहूलियत होगी, और जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट की हम लोग उम्मीद करते हैं वो भी सही रहेगी, और हमारे सारे एम्प्लॉय सुरक्षित रहेंगे। हमने देखा है मुनिडी के इंदू माइंस में मोनोरेल का इस्तेमाल होता है, जिसमें वर्कर्स भी नीचे खदान में जाते हैं, ये गियर ट्रॉली उससे किस तरह से डिफरेंट है? एक्चुअली मोनोरेल्स जो है वो मैनुअल मैन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, तो हम लोग को CLMRS यूज़ करते हैं। हम लोग केबल रोप से आदमी को केबल चेयर्स होते हैं, जैसा आपने राजगीर में देखा होगा उस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ है, और उससे हम लोग मैन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और मोनोरेल क्या है, मोनोरेल एक डिब्बा होता है, और डिब्बा कैरी होता है जो सरफेस में रेल्स होते हैं उसी तरह का, और उसमें आदमी ट्रैवल होते हैं। तो मोनोरेल अच्छी बात है, जहाँ जिस तरह का फैसिलिटीज है, जिस माइन में जिस तरह का कंडीशंस है, उसी कंडीशंस के बेस पे हम लोग इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण बैनर्जी जी। धन्यवाद।